लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लावा पिज्जा और कैल्ज़ोन अगर आप यहीं आके खाएं तो आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। ऐसे ही ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूडीज। मेरा नाम है अब्दुल समद नूरानी। और मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। तो जौहर वालों, ये व्लॉग आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जौहर वालों के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं लावा पिज़्ज़ा। लावा पिज़्ज़ा और स्पेशली कैल्ज़ोन। कैल्ज़ोन और लावा दोनों बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा होने वाले हैं। लावा पिज़्ज़ा खाने के लिए आप लोगों को खारादर जाना पड़ता था, जो कि हमने पहले वीडियो बनाई थी लावा पिज़्ज़ा की खारादर में। जौहर वालों को अब ज़रूरत नहीं है खारादर जाने की, अब वो जौहर में केबीज वाली गली के अंदर आएंगे तो मियामी पिज़्ज़ा इन्हें मिलेगा और यहाँ पे आपको कैल्ज़ोन और लावा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। तो अमीन भाई क्या कह रहे थे मियामी के नाम से, कुछ मियामी बीच के नाम से आपको मियामी पिज़्ज़ा याद रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, इस रेट में इतना अच्छा पिज़्ज़ा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, तो आप लोगों को लाजमी आगे ट्राई करना है आपको ये पिज़्ज़ा, मियामी पिज़्ज़ा। एक बात मैं बताऊँ, जिस भाई ने ये सेटअप स्टार्ट करा है, इन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने लिए, जॉब के साथ ये इसको इन्होंने स्टार्ट करा है, और इनको सपोर्ट करना है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक अच्छा स्टेप है इनका, और इन्होंने अभी बहुत छोटे पैमाने पर इसको स्टार्ट किया है, लेकिन अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आगे जाके और ग्रो करेंगे। और कराची वाले मुझे पता है समझ भाई सपोर्ट करते हैं सबको, इनको भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और ये लोग भी ग्रो करेंगे जल्द से जल्द। और जौहर वालों, आपको हम रिव्यू देते हैं कि ये कैसा है, बल्कि पूरे कराची वालों को हम रिव्यू देते हैं ये कैसा पिज़्ज़ा है इनका, और आप लोगों को आके ज़रूर ट्राई करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट हाँ भाई इम्पॉर्टेंट, कराची फूडीज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जी बिल्कुल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर भी बहुत ज़्यादा करना है इस वीडियो को। और इनके ऑनर का हम इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे क्योंकि वो इस वक्त यहाँ मौजूद भी नहीं, और जो मौजूद है वो इंटरव्यू दे नहीं सकते, वो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। तो ये है कि हम ही आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें इनकी हैं। बाकी ये सॉसेज वगैरह जो है बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, और अभी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा। तो आप लोगों को अभी इनको सपोर्ट करना है क्योंकि क्वालिटी अभी बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं। अच्छा समझ भी, टाइमिंग भी आप ही बता देना इनकी यार। अच्छा, इनकी टाइमिंग जो है वो 5 बजे से लेकर रात को 4 बजे तक है। आप इनसे होम डिलीवरी करवाएं और फूड पांडा के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। डाइनिंग सिस्टम अवेलेबल है, आप डाइनिंग इधर करके भी खा सकते हैं, और इसका इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों को लाजमी ट्राई करना है। तो अभी हम खा के बताएंगे कहाँ से अच्छा मिला वजह। यार मैंने सुना है ना। अच्छा सुना है, फिर ठीक है। तो चले भाई आपको रिव्यू की तरफ लेके जाते हैं और बाकी इनका सेटअप वगैरह दिखाते हैं, आ जाए। क्या नाम है आपका? यार अली नाम है मेरा। अली भाई, अली भाई अपना ये स्पेशल सॉस डाल रहे हैं इसमें। जी यार, ये हम लोग जो है ना अपनी थाउजेंड सॉस है हमारी, सीक्रेट सॉस कहला सकती है। तो हम लोग रेड सॉस में नहीं बनाते, जिसमें सब लोग ना पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है बनाने का। सॉस मैंने ट्राई किया है, इसका जो टेस्ट है वो बेसिकली टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत मज़े का है, वरना अदरवाइज आपको फिर सेम सब पे जैसा पिज़्ज़ा होता है रेड सॉस में वैसे ही लगेगा अगर हम भी उस सॉस में बनाएंगे। तो हम लोग ये सॉस है जो स्पेशलिटी है, और हम लोग बना रहे हैं मियामी सुप्रीम फ्लेवर। मियामी सुप्रीम फ्लेवर चीज़ ऐड कर रहे हैं, चीज़ ऐड कर रहे हैं। देखिए जी, सफाई सुथरे का भी बहुत ख्याल रखा गया है और साफ़ सुथरे तरीके से बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग की जो ग्रैमिंग है चीज़ की और मीट की ना जी, वो बहुत हैवी है। अच्छा, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स हम लोग 50-50 grams ऊपर हमारी ग्रैमिंग है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है चिकन वगैरह सब कुछ आप खुद कुक करते हैं? जब ये मीट जो है बना बनाया मिलता है हमें फ्लेवर्स के साथ। अच्छा, लेकिन सब रोसो ब्रांड का नाम सुना होगा आपने, सब रोसो मेन्यू, तो दोनों ब्रांड हम लोग तकरीबन यूज़ कर रहे होते हैं। सही, अभी क्या रनिंग है आपकी? यार रनिंग अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारी जो है वो कैल्ज़ोन स्पेशलिटी है, लावा पिज़्ज़ा है, ये फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त चलता है, हमारा रनिंग है सुप्रीम की मलाई बूटी फ्लेवर है, बहुत मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको काफ़ी फ्लेवर्स पिज़्ज़ा से ना दूसरे पिज़्ज़ा से आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। अच्छा, ये जो फ्लेवर है ना हमारा, ये ऑल मीट फ्लेवर, यामी सुप्रीम में सब सब चीज़ें जाती हैं।
जो ऑल मीट कहलाता है जैसे कि ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मल्टीपल फ्लेवर आ जाते हैं, मलाई बोटी जिसमें कुछ चीज़ें जाती हैं कुछ नहीं जाती, उसमें फजीते का मीट होता है। देखिए जी भाई, ये सब चीज़ें अपने हाथ से खूबसूरत बनाने के लिए इसको डाल रहे हैं और माशाल्लाह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा। अच्छा, ये कितने इंच वाला पिज़्ज़ा होता है? यार ये जो है मैं बना रहा हूँ मीडियम वो भी। अच्छा ठीक है, ये जो है 9 इंच है। अच्छा, ये पेपरोनीज डाली है हमने, ये सॉसेजेस हैं। सही सही, इसमें जो है ऑल मीट है ना, ये जी सब चीज़ें जाती हैं इसमें। तैयार हो गया, खुशबू भी आ रही है और आवाज़ें भी आ रही बस। अब हम कैज़ोन बना रहे हैं, जो जो उसमें लावा पिज़्ज़ा में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, जैसे पिज़्ज़े में फ़्लेवर्स हैं उसमें भी फ़्लेवर्स हैं। अब फजीता फ़्लेवर भी है उसमें, मलाई मतलब मियामी सुप्रीम उसमें भी है, मलाई बोटी भी है, विकेट फजीता भी है, मल्टीपल फ्लेवर जो पिज़्ज़े में है ना सब लावा में भी है। और कैज़ोन में हमारे पास जो है सिर्फ 2 फ्लेवर्स हैं, एक मैक्सिकन और एक हॉट बुफेलो। हॉट बुफेलो में कैज़ोन के अंदर आपकी पेपरोनी और सॉसेजेस की भी टॉपिंग होती है, और अभी जो मैं बना रहा हूँ मैक्सिकन बना रहा हूँ। अच्छा, ये हमने मशरूम की टॉपिंग कर दी। ठीक है, ये हम ऑलिव डाल रहे हैं, ये जलापीनो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, जलापीनो ऐड होगा आपके पास। मशरूम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दी। हो गई, अब जो है वो चीज़ ऐड। मोज़रेला जी, मोज़रेला बिल्कुल, मोज़रेला यूज़ करते हैं हम लोग, चेडर यूज़ नहीं करते। तो मैंने आपको ये बताया था ना कि हम लोग की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी फ़र्क है, क्योंकि और ब्रांड्स जो हैं जो भी हैं वो ग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं कम, हम लोग उससे डबल ग्रामिंग कर रहे हैं अभी, और इंशाल्लाह यही क्वालिटी रखें मेंटेन करेंगे। जो देख रहे हैं इतना हैवी है कि कैल्ज़ोन हमारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। ऑर्गेनो है, वेलकम बैक गाइस। कैल्ज़ोन रेडी हो गया हमारे पास आ गया है, और अब हम इसको ट्राई करके बताते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है। वैसे कैल्ज़ोन इनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है, बाकी जगह जो मैंने कैल्ज़ोन ट्राई करा है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था, इनका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है और मुझे ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसकी टॉपिंग वगैरह भी अच्छी हुई की हुई है इन्होंने कुछ, इसको अब अमीन भाई ने तो फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अमीन भाई, यार कैल्ज़ोन मैंने वैसे तो बहुत खाया है पर इनका पहली दफ़ा ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ही ट्राई करो, फिर बताओ कैसा टेस्ट है इनका। अच्छा, केचप भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, तो ट्राई करते हैं आपको बता दें। आप चीज़ देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा फिल हुआ है, अलग से भी आ रहा है, मतलब खाने में मज़ा आने वाला है। बिल्कुल समझ भी भैया, देखो चीज़ कैसी उभी ऊपर आएगी, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, देखते रहिए, देखना नहीं है सिर्फ आगे खाना भी है यहाँ पे। समझ भाई, मैं तो देसी स्टाइल में खा रहा हूँ, आप मैं थोड़ा शशके दिखाऊँ, शशके दिखाएं पहले आप। तो भाई चूरी कांटे से खाना अभी भी मुझको नहीं आता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। टेस्ट अच्छा है, मेरे ख्याल में देसी स्टाइल से ही खाते हैं आप भी तो सही रहता है।
हम देसी हैं तो देसी स्टाइल से ही खा रहे हैं। टेस्ट अच्छा है जी, आपको लाजमी आके ट्राई करना है। और भी बहुत सारे किस्म के पिज्जे होते हैं इनके पास, जो हमने जिनकी मेकिंग तो शूट की है। अच्छा। जो जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार है वो हम ज़रूर दिखाएंगे। जौहर वालों, तुम्हारे लिए लावा पिज़्ज़ा ढूंढा है मैंने, और इन भाई को भी सपोर्ट करना है लाजमी, क्योंकि इनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। वाह जनाब, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। स्वाद आया नहीं आया? टेस्ट अच्छा है, नो डाउट टेस्ट अच्छा है। आप खाएंगे आपको मज़ा आएगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, ना वक्त ज़ाया होगा ना पैसा ज़ाया होगा। स्पेशली आपको इसको रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका और बहुत ही मज़े का है। सस्ता और अच्छा अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है ना, तो आपने मियामी पिज़्ज़ा पे आना है। इन्होंने जो सेटअप बार बनाया है ना, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, और आप यहाँ पे आएंगे तो मज़ा आएगा आपको खाने में। पुरसकून माहौल है, बिल्कुल ऐसे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, और इनका पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का है। एड्रेस में गाइड करता चलूँ, आप जौहर की तरफ आएंगे दारुल सेहत हॉस्पिटल से पहले जो केबीज़ आता है, केबीज़ वाली गली के अंदर थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको इनका मियामी पिज़्ज़ा का बोर्ड नज़र आ जाएगा, और चेयर्स वगैरह भी लगी हुई इनकी वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो आपने इसको विज़िट लाजमी करना है, और अमीन भाई जो है खापा करने में बहुत मसरूफ़ है, तो आपने हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। और जब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लावा पिज़्ज़ा आ रहा है। गाइज, लावा पिज़्ज़ा भी रेडी होकर आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ी है, और खारा दर का तो हमने ट्राई किया था, उसका टेस्ट भी आपको बताया था। अब ये जौहर में हम ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अमीन भाई, समझ भाई, ट्राई आप पहले करेंगे, आप बुज़ुर्ग हैं, आप पहले ट्राई करेंगे। यार कहाँ से बुज़ुर्ग हूँ, बड़े ना, मतलब हमसे बड़े हैं आप भैया। लावा पिज़्ज़ा भी आप देख सकते हैं, इसको सैंडविच पिज़्ज़ा भी कहा जाता है, लावा पिज़्ज़ा भी कहा जाता है, और डबल डबल टॉपिंग होती है, और चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर लावा पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। लावा पिज़्ज़ा बहुत पसंद है भाई। सबसे पहले मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, और काफ़ी ये गरम गरम सा है, और मुँह ना जले, बस ट्राई करता हूँ। लगा कैसा सामद भाई? स्वाद आ गया जनाब, स्वाद आ गया। ये जनाब कहाँ से सीख के आ गए सामद भाई? अब हमारे प्यारे चचा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा आप इंडियन मूवीज देख के आए कोई। नहीं जनाब, स्वाद आ गया वाकई। चले ठीक है, जो बहुत ज़बरदस्त है पिज़्ज़ा। ये आपकी सेकंड बैड ने बता दिया कि पिज़्ज़ा वाकई अच्छा है। ये हम भी समझ भाई का झूठा जो है मोहब्बत बढ़ाने के लिए ट्राई करके बताते हैं आपको। यार ये मुझे तो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था समझ भाई। अच्छा अच्छा भाई, एक चीज़ मैं इसमें आप लोगों को गाइड कर दूँ कि टेस्ट बर्ड सबके अलग अलग होते हैं। ऐसा ही है, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है आपको अच्छी लगे, तो वैसे तो सबको अच्छी लगेगी चीज़, टेस्ट ऐसा है इसका। अच्छा, ये 500 का इसका प्राइस है, और इसका जो लार्ज है वो है 800 का, और 800 इस प्राइस में ऐसा पिज़्ज़ा आपको नहीं मिलने वाला, ये गारंटी है, तो आपको लाजमी आगे ट्राई करना है। अब तो पेट्रोल भी बच रहा है, लाओ पिज़्ज़ा खाने से खारा दर नहीं जाना, जौर में मिल रहा है। ऐसा ही भाई, पेट्रोल की बड़ी मारी मारी चल रही है, तो बस ये अब आपने आना है यहाँ पे, इनको सपोर्ट भी करना है। और यार आज बड़ा मसला मसाइल चल रहे हैं, समझ में लग रहा है आपको कोई गैस्ट्रिक वो हो रहा है, पेन हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तरह तरह के खाने खाने पड़ते हैं, कोई PPI खाना पड़ेगा आपको। तो ये है कि आप कराची फूडीज को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, मियामी पिज़्ज़ा पे ज़रूर आएँ, और इनको सपोर्ट करें, इनका पिज़्ज़ा ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। हमें भी कमेंट में बताएं कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा और इसका टेस्ट कैसा लगा, सब चीज़ें हमें बताएं। अच्छा, इनका एड्रेस मैं एक दफ़ा फिर से गाइड कर देता हूँ, मियामी पिज़्ज़ा ब्लॉक 14 केबीज़ वाली गली के अंदर, आप थोड़ा सा आएंगे राइट साइड पर, तो राइट साइड पर इनकी शॉप बनी हुई है, और जो चेयर जो लगी हुई है बाहर, ये देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मियामी पिज़्ज़ा पे आप बिल्कुल पहुँच गए हैं। इनका डिलीवरी सिस्टम भी ओपन है, आप चाहें तो इनको कॉल करके डिलीवर करवा सकते हैं घर पे, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लावा पिज़्ज़ा और कैलज़ोन अगर आप यहीं आके खाएं तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही, क्योंकि डिलीवरी करवाने में चीज़ थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, तो उसमें फिर घर पे मज़ा नहीं आता है, तो आप यहाँ के ज़रूर ट्राई करें। और इसमें कोई भी चीज़ हो, आप अगर वहीं जा के खाते ना तो उसको अलग ही मज़ा आता है, अलग ही मज़ा आता है। तो अब रहा नहीं जा रहा है, पिज़्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं हमें, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इनको सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और कराची फूडीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।